केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया, अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना, जैसे मणिपुर में अपने संगी साथियों द्वारा बेटी के साथ मानवीय व्यवहार में, बीएचयू छात्र अभद्रता कांड में, खीरी किसान हत्याकांड में, हाथरस की बेटी के बलात्कार हत्या व कानपुर देहात कांड में, जहां मां बेटी को झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया, उसके भी दोषी हैं। भाजपा ने बिना जांच परखे जानलेवा वैक्सीन लगवाई, कमीशन खाकर गलत दवाइयों को पास करके लोगों का जीवन खतरे में डाला। इसका सीधा असर जनता की सेहत पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों की तंदुरुस्ती पर भी। भाजपा पीढ़ियों पर प्रहार की दोषी भी है। मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के दिल और दिमाग में जानलेवा वैक्सीन लगवाने के बाद बीमार होने पर डर बैठा दिया। महिलाओं के अंदर असुरक्षा का भाव घर कर गया। युवा अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट से डिप्रेशन का शिकार हुआ। राजनीतिक रूप से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कैमरे के सामने धांधली की, चुनी हुई सरकारें गिराई, खरीद फरोख्त का नकारात्मक सियासत को जायज ठहराया, पारिवारिक रूप से राजनीतिक फायदे के लिए परिवारों को लड़वा दिया, भाई के खिलाफ भाई को, मानसिक रूप से भाजपा ने अपने ही समर्थकों को हिंसक बनाया, मॉब लिंचिंग को मानसिक रूप से सही ठहराने की साजिश की, आपराधिक रूप से ऐसे लोगों को मंत्री पद दिया और बनाए भी रखा जिन्होंने किसानों की हत्या की, जो महिलाओं पर अत्याचार शोषण के दोषी हैं। न्यायालय तक में अपने लोग पिछले दरवाजे से सेट किए, न्यायाधीशों से खुलकर एक विचारधारा विशेष के लिए बयान दिलवाई, न्यायाधीशों को राजनीतिक पदों पर लालच देकर कानून तक को अपनी भ्रष्ट सोच से, यही काम यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूलों में किया, नौकरशाही में लेटरल एंट्री के बहाने यही धांधली की, योजना आयोग खत्म किया, ईडी सीबीआई आईटी इनकम टैक्स को सरकार बनाने बचाने और चलाने के लिए इस्तेमाल किया, झूठे आंकड़ों से देश और दुनिया को छला, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को विकासशील देशों की। भाजपा ने इन्हीं सब कारणों से देशवासियों की जिंदगी को खतरे में डाल दी। भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद, चीन की घुसपैठ से रजांगला मेमोरियल जैसे शहीदों के बलिदान का स्मारक तक नहीं बचा पाए। भाजपा की भ्रष्ट नीतियां बीते कल के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी देश की रक्षा के लिए असमर्थ व अक्षम है। इसलिए जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है। ऐसे देश नकारात्मक ताकतों से आजाद होने जा रहा है।